तो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मारी, बहुत ज़्यादा हिसाब से मैंने ज़्यादा सब खुजा दिया, तो बिल्कुल लाल सुरख हो गई। इस तरह से बहुत चीज़ हो रही है, इसमें भी तितली मार दी है। एलर्जी से कैसा हो रहा आँखों में आज? काफ़ी टाइम पहले हुई थी मैं एलर्जी, चश्मे के लिए बोला था कि टेस्ट करा के चश्मे बना लो, मैंने बनवाए नहीं। आज फिर वही दिक्कत हो रही है, आज फिर से आँखों में कुछ नहीं मार रही है बहुत तेज। मम्मी ने खाना बना दिया, खाना खाऊंगी, आ जाओ। मम्मी दाल चावल किसके खाल कर रखे? दाल चावल। हाँ मम्मी। हाँ बेटे। हैं? हाँ क्या हो गया? अच्छा पूजा मार रही हूँ नन्ना का, मेरी आँख में देखे पता नहीं क्या हो गया। अरे पूजा एलर्जी हो रही है, आँखों में एलर्जी हो जा। जैसे दवाई आँख ट्रेनिंग यही आँख वाला मारे में इससे गया एलर्जी हो जा। मैं आँखों में कदी हुई आज फिर बोली ना, इसमें मार रही पूजा। देख मेरे डॉक्टर ने बहुत दिन पहले बताई थी टेस्ट करवा के दवाई ले लेने को, एलर्जी हो जाए आँखों में। मैं टेस्ट ना करवाई, अब इनमें खुजा मार रही। अभी यहाँ पर कायरा रो रहा था, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी कचरी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उसको, ये देख ली यहाँ पर रखी हुई कचरी, तब से इन कचरियों के पीछे पड़ा हुआ है। मम्मी कचरी बनाओ कचरी बनाओ, मैंने कहा चल उधर जल जाएगा, इधर बस मैं अभी वहीं बना के ला रही हूँ, सीधा हो जाए यहाँ से। फिर अभी कचरी दी उसे बना के, और मम्मी कर रही है कपड़ों की तय। जी हाँ, रोज़ की रोज़ जितने भी कपड़े धुलते हैं उनकी तय बना देते हैं, कभी कभार ही नहीं लगता टाइम, वरना है ना रोज़ के रोज़ ही बना देते हैं। मम्मी तय में लगी थी, मैं थोड़े से पापड़ भी उतारे, थोड़े से जो ना इसमें है ना आलू वाले चिप्स रखे हुए थे, वे पता देखने वो देखने में इतने छोटे, और जब उनको मैंने तेल में तला तो काफ़ी चौड़े और बड़े हो गए। ये देखो पापड़ भी हैं और गोल वाली कचरी हैं और थोड़ी सी एक दो तरह की और हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, चाय पी रहे हैं कचरी खा रहे हैं। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। जा रही हूँ अपनी ताई जी के घर, और हाँ ताई के जा रही हूँ। मम्मी है यहीं? मम्मी है? मम्मी ने कह रही मैं ना जा रही, हम जा रहे ताई के घर घूमना है भाई नन्नी के। नहीं गेहूँ निकलेंगे आज, हाँ खेत में जाओगा मम्मा। फिर मैं ताई के यहाँ पहुँच गई, ताई कह रही कि कई दिन हो गए तू आई नहीं है, हम तेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा ताई जी बस काम में ऐसा ही लगा रहता है, मैं जब बहुत कम टाइम मिलता है ताई जी के घर घूम करने का, क्योंकि भाई आप लोग समझ सकते हो बहुत काम हो जाते हैं घर में, तो इसी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। आज गई तो काफ़ी देर तक मतलब मैं ताई जी के यहाँ बैठ के आई, बात करके आई। उधर दूसरे वाली ताई जी उल्हाना दे रही कि तू नहीं आती तू नहीं आती, मैंने कहा कल आऊँगी। और यहाँ हम लोग बैठे थे, ये लोग शादी में जाने वाले हैं तो शादी कर रहे थे तैयारी, और मेरा भतीजा जो है वो वीडियो बना रहा था। भाई को देखकर घस के बावड़ी भी जा रही, पेट फुलाओगी? हाँ नहीं सूती धोती पहना वैसे जी लगाया प्रेस कर तो वो आज बाहर जाना सख्त मना है, रसगुल्ले टपक रहे आज तो रुक जा, रसगुल्लों की बारिश होने वाली रुक जा, यस रसगुल्ले टपकने वाले रुक जा, माथे में थोड़ी गिर गई देखी क्या हो गया, कितने एक्साइटेड हो आप रसगुल्ले खाने के लिए प्लीज बताओ। ए चल गया बॉयफ्रेंड ने गया, चल गया यस, कितना खुश है तू रसगुल्ले के नाम से। ये तो नगर
में है? कुछ नहीं जरा सा भी मतलब तू दावत में ना जावा टाड़ कर जूते जाते धोखे दरक गया नहीं खुश नहीं है रसगुल्लो के नाम से नहीं तो कह रही अरे खुश नहीं आई जी के यहाँ से आई तो मेरी बुआ जी आ गई। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी तो वो बुआ जी से बात करते करते फ़ोन पे रोने लगे और बुआ जी पे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो बुआ जी का जो छोटे वाला लड़का वो लेके आ गया। मतलब भाई सभी को होता है, अगर भाई को कुछ हो जाए तो बहन को तो दर्द होता ही है, सभी की बात है। तो बुआ जी बोली कि रो मत, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे पापा जी की हालत जो है ठीक नहीं रहती। और ये देखो पाखी ने छोटे छोटे दिल बनाए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को मतलब पसंद आए या नहीं आए, मुझे तो बहुत पसंद आए। बनाने का तरीका देखो कितने प्यारे हैं। और अभी फिलहाल मम्मी बैठी हुई थी छोटे बाबू के पास और मैंने कपड़े सिंगारी थी। भाभी का बिस्तर ठीक कर दूंगी, वो जा रही है वॉशरूम, तो फटाफट से मैं इतने सारा काम करती हूँ। और मम्मी हम लोग है ना गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ते, हमने कहा आप गुड़िया के पास बैठो। मैं आपको बता दूं एक दिन में दो दो वीडियो शूट हो गई, ऐसा भी हुआ। और यहाँ भाई जो है ना पोछा लगा रहा है इस रूम में, मैं इस रूम में जो इधर उधर सामान फैला ये सिंगवा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो कुछ ना कुछ बच्चे भी हैं और घर में चल लगा ही रहता है। तो भाई ने कहा कि मैं पोछा लगा दूंगा, तू अपना ऊपर का काम देख ले, बहुत काम है सारे दिन। एक कमेंट आता कि काम काम करते थे, काम है भाई बड़े घरों में, जितने बड़े घर उतने ज़्यादा काम, जितने ज़्यादा सदस्य उतना ज़्यादा काम, वरना आदमी बिना कहाँ काम है, बैठे हुए मक्खी मारो जाओ, जहाँ घर परिवार हो वहीं तो काम हो। और मन लगे हम लोगों को ये नहीं है कि मतलब आदमी बढ़ गया तो सिरदर्दी होगी या काम करने से कोई दिक्कत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जितना काम करा है उतना ठीक रहा है। और यहाँ मेरी तबीयत ठीक है तो मैं काम कर पा रही हूँ, और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ में नहीं है। पर यहाँ आके मुझे बिल्कुल भी उल्टी वगैरह नहीं हो रही, दवाई भी मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। और जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, मेरे दिमाग में खुद इतनी टेंशन हो रही है कि जब मैं जाऊँगी तो कैसे रहूँगी। भगवान सब ठीक रखना। यानी अपना ससुराल किसी को बुरा नहीं लगता क्योंकि घर वही काम आएगा, मायके में कितने दिन, 2-4 दिन 10 दिन महीना, फिर वापस वहीं जाना है और गुजारा भी वहीं से है। मुझे अभी ये जो है ना शीशा लगवाया इन्होंने, एसी की हवा सारी है ना रुक, मतलब गत्ता लगा के रोक रखा था फ़िलहाल तो, पर बाहर आती थी रूम ठंडा रखने के लिए, और वैसे भी लगवाना था इन लोगों ने, इसमें यहाँ शीशा लगवा लिया। इस वाले बेड की है ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, खेलते हैं, गंदी हो जाती है, तो मैं तीसरे दिन है ना बदलती रहती हूँ। अब इसी वाले की बदल दी, एक दो सामान इधर उधर पड़े हुए हैं सब सिंगवा दूँगी, फिर झाड़ू वगैरह निकालूंगी। उधर रूम में भाभी के मैं लग गया पूछा, मैं लेट जाएंगी फिर रूम बंद हो जाएगा, जो जो काम होता रहे रूम का वो कंप्लीट मतलब सारा काम करके फिर बाद में पोछा लगाने का काम रह जाता है, बेडशीट वगैरह बिछा के झाड़ना पोछना करके फिर लास्ट में पोछा लगाती हूँ। फिर सबसे बाद में आता है गैलरी का नंबर, और थोड़ा सा भाई कर लेता है, कुछ मैं कर लेती हूँ। ये नहीं कि हर टाइम वही करें, हम लोग करते रहते हैं, उससे 100 काम होते हैं, कहीं खेत का, कहीं काहे का, कहीं मामा ने जाना, कहीं कुछ करना, मैं भाई हम अपने आप कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत करता है तो अपनी मर्ज़ी से कर लेता है वो, हमारी कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती भैया ही करेगा, हम लोग आए हुए हैं करने के लिए। यहाँ देखो छोटी बड़ी को धमकारी, देखो देखो भाई हाँ पता नहीं कहाँ है दिखी नहीं। यो प्यार की लड़ाई है, यो कोई बुरी लड़ाई नहीं है, दुरानी जिठानी ताई हमको शायद में उतर ये रही हमको शायद में अभी है ना ये पोछा मैं बता दूँ, ये शाम के टाइम में लग रहा है। एक बार जो मतलब यहाँ पे बाथरूम में जाते हैं पैर गिले लेके बाहर आ जाते हैं बच्चे, कायर बड़ा मस्ती मार रहा है, जब से मामा के घर आया तो सारे में पैर पैर छप जाते हैं, और इस तरह सफ़ेद रंग के पत्थर पे तो ना एक भी जरा सा भी कुछ खिंडा हुआ अलग ही दिखाई देता है। और मैं ना बेडशीट बता रही थी ना चेंज कर दूँ, तो मैंने 2 बेडशीट 2-3 बेडशीट अभी धोई थी, तो वैसे साफ़ नहीं हुई मशीन में,
तो मैंने सोचा कि इनको है ना थोड़ा सा ब्रश लगा देते हैं और अच्छे से इनको साफ़ कर दूँगी। तो ऑटोमेटिक मशीन जो है मुझे चलानी नहीं आती, मैं दूसरे वाली मशीन में धो रही थी, तो इन पर फिर ब्रश लगाना पड़ता है, कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे रहते हैं। और अभी बस इसको धो के फैला दूँगी। इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, आने वाली वीडियो में मिलूँगी आप लोगों को और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।